नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुनिए मुख्यमंत्री जी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। सुनिए मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम के जरिए हम उन खबरों को दिखाने का प्रयास करते हैं जिन समस्याओं से आप रूबरू हो रहे हैं और परेशानी का दंश झेल रहे हैं। कार्यक्रम के जरिए हम मजलूमों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हमारी ये भी कोशिश होगी कि आपकी समस्या का जल्द निराकरण हो। तो चलिए शुरू करते हैं सुनिए मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम का सिलसिला और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जगह की हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह की मूलभूत सुविधाओं से आम जनता को दो चार होना पड़ रहा है। खासी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, फिर भी कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं सुनिए मुख्यमंत्री जी। तो सुनिए मुख्यमंत्री जी, मैं बात सबसे पहले करेंगे बड़वानी की, जहां कपास पर मंडी टैक्स कम करने की मांग को लेकर व्यापारी 11 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। इधर कॉटन जिनिंग व्यापारियों की हड़ताल का असर भी शुरू हो गया है। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी और किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने कहा है कि पिछले 5 से 7 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते मंडी में कोई लेवल नहीं मिल रहा है, जिसके चलते छोटे किसान परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेवल नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो वहीं कलेक्टर ने किसानों से उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। हमारे जिले में प्रदेश के आह्वान पर मंडी व्यापारियों ने कपास खरीदना बंद कर रखा है। तो अब 4-6 दिन तभी बारिश के गए और बारिश के बाद दशहरा और नवमी का त्यौहार गया, उस समय बिनाई नहीं कर पाया। बिनाई चालू हुई और कपास किसान मंडियों में लाने लगे तो इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन देने में 2 दिन से भी मंडियां नहीं चल रही, उससे काफ़ी किसानों को नुकसान हो रहा है। नुकसान होने की वजह क्या, किसान अपने छोटे छोटे किसान हैं, सीमित किसान है, अपनी पोटली बेच के आता है और उसी पोटली के पैसे जो मजदूर बिनता है उसी पोटली से पैसे व्यव करता और अन्य खर्चों के लिए उसमें कपास से खर्चे जगाला, जैसे कपास है, मक्का है, अभी उनकी तोड़ाई कराना, बिनाई कराना है, तो सारी चीज़ें कराने के लिए भी कपास अभी एकमात्र चालू हुआ है वो नगद पैसे का। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सचिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, सबसे पहले पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। जी, हम बता दें जैसे कि बड़वानी सहित अन्य प्रदेशों के मुकाबले मध्य प्रदेश में कपास पर मंडी टैक्स निरीक्षित टैक्स अत्यधिक होने के चलते 11 अक्टूबर से प्रदेश के काटन जिनिंग व्यापारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। उसी के चलते किसान परेशान हो रहे हैं। टैक्स कम किए जाने की मांग को लेकर काटन जिनिंग व्यापारियों की हड़ताल के चलते कलेक्टर पहुंचे किसान, उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से टैक्स कम करने की मांग की है। जी सचिन, कुछ आश्वासन मिला, क्योंकि कलेक्टर से शिकायत की गई है, तमाम जो मांगे हैं वो रखी गई हैं, कुछ आश्वासन मिला है? कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्होंने उनका ज्ञापन प्रदेश स्तर तक भेजेंगे और जो भी लेबल होगा वह उस पर जरूर चर्चा करेंगे। ओम प्रकाश कागजी किसान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, क्या है समस्याएं आपकी? हमारी समस्या ये है कि अभी हमारा माल कपास जो है वो चालू हो गया है और मंडियां बंद हो गई है। अगर मंडियां बंद होती है तो किसानों के पास पैसा नहीं रहेगा। दीपावली आ गई है सामने, मजदूरों को देना है, दवाई वालों को देना है और ये वापस व्यापारियों ने हड़ताल चालू कर दी। ओम प्रकाश जी, आप लोग की तरफ से कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्या आश्वासन मिला है? कलेक्टर साहब ने ऊपर लिखा है, ऊपर लिखते है बताते है बोला है। समस्या का कब तक समाधान होगा, इस तरह का कोई भी आश्वासन आपको नहीं मिला? ऐसा कोई आश्वासन नहीं है। जी, ये समस्या कब से है? ये अभी 2 दिन से। जी, तो किस तरह से, अब जब आप हड़ताल पर हैं ओम प्रकाश जी, इस दौरान किसी जनप्रतिनिधि ने आपसे आकर मुलाकात की, आपकी समस्याओं को जाना? नहीं जाना। जी सचिन, देखिए जिस तरह से किसान हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि कलेक्टर को उन्होंने जो है वो ज्ञापन सौंपा है लेकिन आश्वासन नहीं मिला। फिलहाल अगर बात की जाए बड़वानी की, तो किस तरह का असर इस हड़ताल का देखने को मिल रहा है? हेलो जी,
आवाज पहुंच रही है सचिन? अभी, अभी 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 हमारे किसान एक भागसूर के है श्याम भाई कचावा, उनके पास पैसे नहीं है, वो माल लेके गए अंजड मंडी में, बाकी वहाँ पे व्यापारी नहीं आए कपास खरीदने के लिए जी। हड़ताल 11 अक्टूबर से शुरू हुई है सचिन, किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? जैसे कि हम बता दें कि 5-6-7 रोज से जो जैसे बारिश चल रही थी, नवमी थी, दशहरा का त्योहार था, किसान उसमें लगे हुए थे, फिर उसके बाद जैसे ही मजदूर आए उन्होंने कटाई करके कपास ले जाकर व्यापारियों को बेचने के लिए गए थे, मगर मंडी टैक्स अधिक होने के चलते कपास बिक्री नहीं हो पाई, जिसके चलते उनके काफी परेशान होना पड़ रहा है और लगातार अभी कोई भी जनप्रतिनिधि उनसे नहीं, उनके पास नहीं पहुंचा, उनसे नहीं बात की है। वहीं कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि उनके लेवल से जो भी समाधान होगा वह समाधान करेंगे, वो उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। ओम प्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो व्यापारियों का हल्ला बोल आखिर कब समस्या का समाधान होगा, ये बड़ा सवाल है। 11 अक्टूबर से जो किसान है वो हड़ताल पर है और कलेक्टर को इस मामले में ज्ञापन भी सौंपा है, आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान होगा, लेकिन कोई तय तारीख किसानों के सामने कलेक्टर के द्वारा नहीं दी गई है।